हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले के जो वीडियोज़ है ना उसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसके पहले के वर्कशीट के क्वेश्चंस को। वो सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आइए, तो हम लोग अभी पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 2/5 और इसको डिवाइड करना है बाय 1/-1/3। तो हम डिवीजन का सिंबल पहले पुट किए और किससे डिवाइड करना है, 1/-1/3 से। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवीजन का साइन है ना इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको हम कन्वर्ट किए तो हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। क्या ले लेंगे इसका, रेसिप्रोकल। ओके, तो रेसिप्रोकल तो हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा, 3/-1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया है नीचे, हम इसको अगले स्टेप में न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ना, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ये हमको मिल गया 6 और ये हमको मिल गया -5। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, चूँकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, माइनस साइन को हम नोमिनेटर में नोट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे -6/5 और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने देख लिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, -7/4 है, इसको डिवाइड करना है 1/8 से। तो बहुत ही सिंपल है, हम फिर से लिखेंगे -7/4 और डिवीजन को क्या किए, मल्टीप्लिकेशन, और इसका हम ले लिए रेसिप्रोकल। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप ज़रूर कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 1 = 4 और 4 2 = 8, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 और -7 मल्टीप्लाई होकर -14 और नीचे 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1। तो इसको हम सिंपली क्या नोट करेंगे ना, -14, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, -10 लिखेंगे और डिवाइड करना है 1/5 से। तो हम फिर से यहाँ पे -10 नोट किए और डिवीजन को क्या किए, मल्टीप्लिकेशन में चेंज, और इसका लिए रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिए तो 1/5 का हो गया 5/1। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 10 = कितना हो गया, 50, माइनस में 50 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, ये हमारे पास है 1/13 और इसको डिवाइड करना है -2 से। तो यहाँ पे 2 साइन हो जा रहा है इसलिए हम ब्रेकेट में पुट कर लिए। ओके, अब देखिए -1/13 नोट किए, हम मल्टीप्लिकेशन साइन में यहाँ ले लेंगे, ये जो डिवीजन का साइन आप देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 2, ये हमारे पास -2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ना, 1/-2। ठीक है, अब देखिए कुछ भी डिवाइड हो रहा है, कहीं पे कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए ये 1 मिलेगा, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए ये माइनस में 26 मिलेगा। आप ध्यान रखिए चूँकि डेनोमिनेटर हमारा माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस साइन को हम न्यूमरेटर में नोट करेंगे, तो हम लिखेंगे -1/26, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिखाना है कि एक्स डिवाइड बाई वाई इज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, और x का वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे, 3/4, और y का वैल्यू लेके चलेंगे -5/6, ये हमको वेरीफाई कर देना है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे x डिवाइड बाय y, ये हमको क्या मिलता है। तो x डिवाइड बाय y, तो x का वैल्यू कितना है, 3/4 नोट कर लिए, डिवाइड का सिंबल दिए, y का वैल्यू क्या है, -5/6। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करना बहुत ही आसान है, जस्ट आप चेंज कर ले दिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे हम 6 नोट करेंगे और नीचे हम -5 नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ज़रूर हो रहा है, तो देखिए 2 2 = 4 और 2 3 = 6, अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा,
तो 3 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया और 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया। चूँकि माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस 10 होगा और माइनस साइन को ना हम ले लेंगे नोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 9 अपॉन 10। ये तो हो गया अपना x डिवाइड बाय y। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि y डिवाइड बाय x हमको क्या मिलता है। तो y हम पहले नोट करेंगे, माइनस 5 अपॉन 6 नोट किए और हम डिवाइड करेंगे किससे, x का वैल्यू से। तो x का वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 4। आइए हम लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 6, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किए और यहाँ पे लेंगे इसका रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कैंसिल कर लीजिए। ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आप देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिल गया 5 2 जा 10, 5 माइनस में है तो माइनस 10 और 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था, यहाँ पे मिला था माइनस 9 अपॉन 10 और यहाँ पे मिलता है माइनस 10 अपॉन 9। दोनों तो इक्वल नहीं है, ओके। तो हम क्या नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे x डिवाइड बाय वाई इज नॉट इक्वल टू y डिवाइड बाय x, ओके। तो ये हमारा हो गया हैंस वेरीफाइड, हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, ओके। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1 अपॉन -3 अपॉन 7, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 5 अपॉन 21, फाइंड द अदर। तो यहाँ पे टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ओके। और हमको बोला गया है कि पहला नंबर है 5 अपॉन 21, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ओके। तो हम यहाँ बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे ना, अदर नंबर, ओके, अदर नंबर इज इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहले हम नोट करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, -3 अपॉन 7, और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा पहला नंबर है। पहला नंबर हमारे पास है 5 अपॉन 21, इसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए अभी हम लोग सीख चुके हैं, -3 अपॉन 7 को आप लिखिए और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। बहुत ही आसान है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा -9 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाता है, ओके। तो बहुत ही सिंपल था, इसको हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विथ व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -36 अपॉन 35 सो दैट द प्रोडक्ट बी -6 अपॉन 5, ओके। यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रोडक्ट दिया हुआ है और पहला नंबर हमको दे दिया हुआ है, कहता है कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्रोडक्ट इतना मिलेगा। तो फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट कितना है -6 अपॉन 5, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे पहला नंबर से। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, -36 अपॉन 35, इसे हम डिवाइड कर लिए। अब डिवीजन तुम लोग को आता है, -6 अपॉन 5 नोट कीजिए, ये डिवाइड का सिंबल को आप मल्टीपल में चेंज कीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ओके। ये हम कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिए। सबसे पहले ये माइनस का साइन अपना कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। आपको नोमिनेटर में क्या बच गया, नोमिनेटर में 1 इंटू 7 दैट इज 7 और डेनोमिनेटर में 1 इंटू 6 दैट इज 6, तो 7 अपॉन 6 आपका क्या हो गया, आंसर, ओके। तो आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ओके, और अगला क्वेश्चन 6 भी है, तो इसको ना हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर आई बटन में, ओके। तो चलिए आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स, ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।